ग्रिताची? उसे कौन नहीं जानता महाराज। एक समय की बात है जब ग्रिताची गंगा स्नान करने तट पर गई थी, अकेली थी। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक ऋषि कुमार नजर आए। ऋषि कुमार पूर्व भिमुख होकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उनका ऊर्जस्वी व्यक्तित्व सूर्य की तरह चमक रहा था। लोगों का कहना है कि ग्रिताची उसी वक्त उस ऋषि कुमार पर आसक्त हो गई थी। खैर, ग्रिताची गंगा स्नान करने गई। उसने अच्छे से गंगा स्नान किया, किसी चंचल मछली की तरह पानी में किलकारियां भरी, लेकिन तब तक ऋषि कुमार का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन अंत में जैसे ही ग्रिताची गंगा स्नान करके बाहर आई तो उसका झीना वस्त्र तन से अत्यंत चिपक गया था। उसके नयन काम चेष्टाओं में निमग्न थे। बस यही वो क्षण था जब ऋषि कुमार की मति पर एक वरण पर्दा पड़ गया।